मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूं। तीन आदमी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक तालाब आया जिस पर लिखा था यहाँ नंगा नहाना मना है, लेकिन किसी ने मना को मिटा दिया था, सिर्फ रह गया था यहाँ नंगा नहाना है। फिर क्या, तीनों लोग कपड़े उतारे और तालाब में कूद गए। सिक्योरिटी गार्ड आया और तीनों के कपड़े लेकर चला गया। तीनों नंगे बाहर आए तो सोचने लगे, अरे यार कपड़े तो है नहीं, हम लोग घर कैसे जाएंगे। फिर बोले, क्यों ना हम लोग शाम होने देते हैं, उसके बाद अंधेरे में हम लोग घर चले जाएंगे, कोई नहीं देखेगा। शाम होने के बाद तीनों मोटरसाइकिल पे चिपक के बैठे। पीछे वाला कहता है, सबसे मजे में हम। बीच वाला कहता है, कभी खुशी कभी गम। आगे वाला कहता है, साला पोपटे में लुट गए हम। खुद पर सबसे ज्यादा गर्व तब हुआ जब परीक्षा हॉल में कुछ भी नहीं आ रहा था, और तभी मैडम पीछे से कही थी, बेटे सीधे से बैठो, पीछे वाला देख रहा है। माँ कसम यार, सीना चौड़ा हो गया था। कुत्ता मर गया रजाई में और मैं पागल तेरी जुदाई में, हाथी नाली में बह नहीं सकता और मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। वीडियो पसंद आई तो स्टार देना। भैया गांव में दो औरतें आपस में बात कर रही तो पहली बोली, ए बहिनी ये हस्बैंड का क्या मतलब होता है? तो दूसरी मुस्कुराते हुए बोली, ए बहन ये अजीब तरीके का बैंड होता है जो बेलन से घर में बजाया जाता है, और इसे बजाने का आनंद सिर्फ शादीशुदा औरतें ही ले पाती हैं, और इसमें एक अच्छाई होती है, इसे जितना भी बजाओगे उतनी ही मधुर धुन निकलेगी, और वह धुन सिर्फ घर के अंदर रहेगी। और एक मजे की बात, इसे चाहे जितना बजाओ, जितना ठोको, जितना पेलो, यह हंसता ही रहता है, इसीलिए इसे हसबैंड कहते हैं। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। रिचार्ज की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए लड़कियों में बॉयफ्रेंड बनाने की बड़ी उत्सुकता। जय हिंद।